This is called adventure. यदि आप बाइक में सफर करते हो, स्पेशली पहाड़ इलाका में जहाँ बहुत सारा फोग हो. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, टशिदिले, सलाम वालेकुम. बताइए कैसे लग रहा है ये सीरीज अरुणाचल ब्लॉक्स बोल सकते हैं, राइट? अभी तक जो मैंने दिखाया आपको आसाम का बॉर्डर से, यानी बालीपुंग हो गया, टीपी हो गया, वहाँ से होकर हम सिंचुंग आए, इसका सफ़र दिखाया, वहाँ का खूबसूरत नज़ारा, बहुत सारा आपको क्या कहते हैं वाटरफॉल्स. देन यहाँ आने के बाद वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का कुछ अच्छा खासा नज़ारा, यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस जैसे कि चिलपम गुनपा हो गया, काफ़ी मशहूर हैं. एंड उसके साथ अच्छा खासा वहाँ का एक्सपीरियंस आपको शेयर किया. अब हम जा रहे हैं तवांग के लिए, ठीक है? बातें करने से पहले मैं आपको थोड़ा बाहर का आंगन दिखा दूं, यानी फिर यहाँ का मैं जहाँ रह रहा हूँ बोले तो, ये एक एक्चुअली गवर्नमेंट क्वार्टर है. ये देखो कितना खूबसूरत है ना. मैं जो रह रहा हूँ ये भैया का घर है, ठीक है? ये गवर्नमेंट क्वार्टर है और जगह का नाम है सिंचुंग. देखो मस्त है ना, आगे पीछे छोटा मोटा थोड़ा आंगन में खेत लगा रखा हुआ है, काफ़ी सारा वो है क्या कहते हैं फूल लगा रखा है. एंड यहाँ पे हम लोग गपशप करते हैं बैठने के लिए. फिलहाल बारिश हो रहा, तो ये अरुणाचल है, अभी बारिश हो रहा है, थोड़ा बहुत धूप पता नहीं चलता ना. सो हाँ, हम तवांग के लिए निकले. उससे पहले आपको मैं एक जकास बढ़िया ऐसा टूर में लेकर जाना चाहता हूँ, वो भी बाय राइडिंग मोटर बाइक. ओके, एक्चुअली हुआ क्या था बोलने से, आप सबको मालूम है मैं ये बार अरुणाचल अपना फैमिली को लेकर आया हूँ, यानी वाइफ बच्चे को लेकर आया. और देख ही रहे आप अरुणाचल का मौसम कैसे है, बारिश होते रहता है और मौसम पल पल में एकदम चेंज होता है, राइट? तो पहाड़ इलाका होने का वजह स्लाइडिंग वगैरह होता है, रास्ते ख़राब होते हैं, ब्लॉक होते हैं, सो ऑन. और बच्चा को लेके कहीं फंस गया और गाड़ी जो मैं लेकर घूम रहा हूँ तो छोटा गाड़ी है, राइट? तो डिफ़िकल्ट फेस हो सकता है, जंगल में कहीं फंस गया, फॉरेस्ट में फंस गया, राइट? इसलिए कुछ दिन आगे मैं सर्वे के लिए निकला था, रास्ता कैसे होगा देखने के लिए कि रास्ता सेफ़ है कि नहीं. हर लोग बोल रहे थे रास्ता अच्छा है, बस कुछ जगह में थोड़ा प्रॉब्लम है करके. तो फिर भी मैं बाइक से निकला, एक बाइक को बुलाया और हम दोनों बाइक से आए थे लगभग बालीपुंग से सिंचुंग से बोमदिला से सिंचुंग, अगेन यहाँ से टिप्पी गया, उसके बाद गाड़ी उठा के लाए, ठीक है? तो ये सफ़र कैसा रहा आप देखिएगा. और यदि आप भी कभी सोचते हैं कि अरुणाचल जैसे जगह में हम बाइक में राइडिंग करके जाना चाहेंगे ऐसा टूरिस्ट घूमने के लिए ना, तो क्या ये अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, है ना, ये आप मेरा एक्सपीरियंस को देख के डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा. ओके, सो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं. जंगल के बीचों बीच मंदिर के शहर अरुणाचल का शहर कराते हैं आप सबको, ठीक है? यहाँ का जो भी खूबियाँ हैं आपको दिखाते हैं. फिर से ये देखो टीचर बाबा जी लोग बांग भी चुप है और एक जगह रखा करा था. ब्यूटीफुल पैराडाइस पैराडाइस अरुणाचल का, देखो खूबसूरत नज़ारा, पहाड़, वादियाँ और ढेर सारा बादल. तकरीबन हम आसमान में खूबसूरत है ना नज़ारा, देखो उतना ही यहाँ पे डेंजर भी है राइड करने के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है और बहुत कई जगह पे स्लाइड वगैरह हुआ है, फ्लडिंग हुआ है. जगह बहुत खूबसूरत है, नेचर से भरा पड़ा है और यही जगह का नाम बोलता है ब्लॉक पॉइंट, है ना? ब्लॉक है पूरा ब्लॉक पॉइंट में, ऑफकोर्स ब्लॉक तो होना बनता है. जीरो बोलते कि इसको ये देखो, ये एक खूबसूरत है अरुणाचल का. आपको नए बोले थे रास्ते में लगभग दो चार जगह मिल जाएगा ऐसा. हम लोग ऑलरेडी दो चार से गुजर के आ चुका है इसलिए पैर में पूरा किचड़ किचड़ लगा हुआ है. यदि राइडिंग में आप परफेक्ट ना हो ना तो मुश्किल है, और स्पेशली ऑफ राइड आपको चलाना ना आता हो तो और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये है बाबा किचड़ मड्डी.
इसलिए मैंने चप्पल पहन के आया हुआ है, निकर पहन के आया हुआ है। कितना टाइम में पहुँचे लंका में? जा रहा है, हाँ निकल रहा है। जीरो साइडल, जीरो नाम साइडल है क्या इस जगह का? नाम साइडल बोलता है ऐसा बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम। किस टाइम में पहुँचा? वाह परफेक्ट परफेक्ट, वेट करना नहीं पड़ा। दिस इज कॉल्ड एडवेंचर, आपको भी मज़ा लेना है तो आ जाओ अरुणाचल। चलो अरुणाचल। अरुणाचल का फोगी, क्या मेरा शक्ल नजर आ रहा है आपको? क्यों मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है रास्ता तो। देखो क्या घना फोग है, सो बी केयरफुल। यदि आप बाइक में सफर करते हो स्पेशली पहाड़ इलाका में जहाँ बहुत सारा फोग हो, तो ऐसा गाड़ी को पीछे करो, यानी बड़ा गाड़ी का पीछे पीछे चलो तो सही रहेगा। बड़ा गाड़ी तो क्या हो गया, रुक गया खुद नहीं जा पा रहा हूँ खुद रुक गया बेचारा। साइड दे रहा हूँ, साइड नहीं दे रहा हो, साइड नहीं दे रहा, मत करो, गाड़ी आ रहा है उससे। देखो ऐसे एक्सीडेंट होने का गुंजाइश होता है, बस 100 मीटर के बाद ही कुछ नजर आता है धुंधला सा, चाहे गाड़ी हो गोरा हो कुछ भी। तुम जाओ नहीं बोल रहा हो, जाओ बोलेगा तो करेगा वो। हॉर्न बजा रहा है? नहीं आगे वाला गाड़ी के लिए हॉर्न बजा रहा हो, तुम के लिए नहीं बजा रहा हो। किसी का हॉर्न बजा रहा हूँ? नहीं नहीं वो आगे देखो, ऐसे स्पीड मार रहे हो देखा। दिस इज कॉल्ड रिक्स की, वो हॉर्न तुमको नहीं बजा रहा, वो आगे वाला गाड़ी को बजा रहा। हमारा हमारा ओके देखो, दिस इज द ट्रिक। जब आप बाहर में चलते हो जहाँ पे इस तरह का फोग होता है जो कि कुछ नज़र नहीं आता हो, अंडिल अंडे 100 मीटर या जो कि 50 मीटर के अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो आप हॉर्न मार के पूरा लाइट जला के जा सकते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होने से थोड़ा बहुत बचने का कुछ जा सकता है। ओके देखो रास्ता निकल के देख रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा है, हम भी साफ कर दे रहे हैं रास्ता, साफ कर दे रहे हैं। ओके हाँ माथा कितने निकल के चल रहे हैं, इतना गहना फोग है कि बेचारा उसको गाड़ी के अंदर रह के कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए वो अपना सर को निकाल के गाड़ी चला रहा है उधर देखो। हालांकि गाड़ी भी नया है और नंबर प्लेट भी नहीं लगा है अभी तक, हमारे लिए रास्ता खोलने का काम करके था। ये जगह का नाम क्या है? जीरो है, 90 जीरो पता नहीं आ गया रहा, गाड़ी आ रहा है कैसे, बहुत बड़ा क्यों, बहुत बड़ा लग रहा है, गाड़ी आ रहा है, आ रहा तो बड़ा देखो। ये लगभग 100 मीटर का करीब में भी नज़र नहीं आता ठीक से, मतलब इतना घना फोग है यहाँ पे। कुछ नज़र आ रहा है आपको? ओ माय गॉड, देखो इतना बड़ा झरना है, दिख नहीं रहा है लेकिन आपको आवाज़ सुनने का होगा। मैं चलो टेलीफोन वेट करूँगा। ओ माय गॉड बहुत बढ़िया है, झरना था आपको दिखाना चाहता था पर फोग की वजह से शायद आप कुछ देख पाया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या खूबसूरत है देखो वहाँ पे,
ऊपर बादल है, नीचे झरना है और झरना का बहता हुआ पानी कितना मस्त लग रहा है व्हाइट करके। ओह देयर आर सो मेनी राइडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, शायद इंडिया से शायद बाहर से है। देखो राइडर्स लोग आके बैठा हुआ है यहाँ पे, झरना बढ़िया है ना। सफर के बाद अभी हम आ पहुंचा है नग मंदिर, और है तो एक छोटा सा मंदिर लेकिन यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत खूबसूरत है, वायलेट दिखाते हैं। सो हियर देखो बाबा जी लोग आज भांग पी के एकदम नशे में टून है, काफ़ी आर्मी भाई लोग हैं। ये जो है नग मंदिर है एकदम चूटी में बना हुआ है। मंदिर बना रहा इतना बढ़िया, यानी टेंपल और मे भी मोनास्ट्री, लेकिन पहाड़ गजब का है यार इतना बड़ा। राइड का मजा लेना अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का मौसम बढ़िया है, ठंड नहीं है। हाँ कश्मी, अच्छा ये जगह का नाम है कश्मी, कश्मी नाला और कश्मी, कश्मी नाला। यहाँ का जो इंडिजिनियस है ना, यहाँ का जो लोकल है वो लोग रहते हैं ज़्यादातर, यहाँ का इन द सेंस यही क्या बोलो गूगल लोग ना। और ऊपर रास्ता बंद हो गया ना, ब्रिज बना रहा है, ये भी ब्रिज बना रहा है, ये भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या करना, एक बार पूरा लगभग मैं आज चार साढ़े चार साल के बाद आ रहा हूँ तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है यहाँ, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन बोले तो रोड अच्छा हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन तो क्या बोलेगा भाई, ये बस चलता है, सुबह चलता है, लेकिन अभी अपना प्राइवेट यूज़ कर रहा है। ये जगह का नाम है दाहुंग, यहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था लगभग दो साल। ये देखो क्या मस्त डेकोरेट बना के रखा हुआ है, पल्सर को खड़ा करके रखा है, नया बनाया क्या, वाह सुंदर बनाया। आरती लोगों रहने का होगा यार, फैमिली सा CISCS करके एक है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकता इंस्टीट्यूट है, वो ऊपर बन रहा है यार, बनाया गया था। ये जगह का नाम है टेंगा, ठीक है, इससे थोड़ा आगे जगह टेंगा बन वो ऊपर है, और इससे आगे जगह टेंगा हॉल्ट है, दिखा दूँ आपको। लगभग मैं चार साल के बाद आ रहा हूँ तो कितना डेवलपमेंट हुआ है या कितना चेंजेस हुआ है, ओ क्या बात है। टैक्सी में रखा है डस्टर्स वगैरह है, क्या बात है। आज मंडे है तो शायद टेंगा बंद है मगर कुछ खुला है, जैसे कि सब्जी मंडी। Okay.